महिलाओं को किस तरह से पीछे ढकेला जा रहा है। दोबारा एक बार हम देख रहे हैं कि जो उदार लोकतंत्र हुआ करते थे वहाँ स्त्रियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। वहाँ पर अति दक्षिणपंथी जजेस बिठाए जा रहे हैं और औरत का अपने शरीर पर अधिकार समाप्त कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। मित्रों, जो रचना जी ने कहा कि हिंदी में लिखे जा रहे साहित्य को उसको प्रमोट करने के लिए और उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हंस की तरफ से उनकी जो सोच थी उस पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर हम देखें पूरे वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, महिलाओं को किस तरह से पीछे ढकेला जा रहा है। दोबारा एक बार हम देख रहे हैं कि जो उदार लोकतंत्र हुआ करते थे वहाँ स्त्रियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। वहाँ पर अति दक्षिणपंथी जजेस बिठाए जा रहे हैं और औरत का अपने शरीर पर अधिकार समाप्त कर दिया गया है। हम अपने देश में देख रहे हैं कि बलात्कारियों को और हत्यारों को छोड़ करके और उन्हें माल्यार्पण उनका किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। हम चुनाव में वोट पाने के लिए हम एक से एक बाबाओं को जेल में जिन्हें रहना चाहिए था उनको हम घूमता हुआ देख रहे हैं छुट्टा सांड की तरह। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि स्त्रियों की तरफ से स्त्रियों का जो अधिकार है, स्त्रियों का जो प्रतिवाद है, वो उसके स्वर भी उतने ही जोर से मुखर होने चाहिए। और ये कोई पुरुषों की उदारता नहीं है। पुरुष अपनी उदारता अपनी जेब में लपेट के रख लें, ये स्त्रियों का अधिकार है और स्त्रियां इसको छीन लेंगी और छीन लेना चाहिए। इस स्थिति में ऐसे कार्यक्रम 1-2 हज़ार होंगे तो भी कम पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि ये अभी का जो दिन है, अभी का जो समय है, ये एक बहुत ही दूर कर लो। जो स्थिति चल रही है ये सबसे किसी से भी छिपी हुई नहीं है और उसमें हंस के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और ऐसे हजारों कार्यक्रम जो मैं कह रहा था होने चाहिए और स्त्रियों को अपनी जगह। इन सब के बीच में मैं चाहता हूं कि जो मेरी अपनी इच्छा है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि ये कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पर पहुंचें कि हम आगे किस तरह का जीवन चाहते हैं अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए। हम इस तरह के पुरुषवादी शासन में हम नहीं जी सकते हैं जहाँ एक बलात्कारी जो है वो कहीं का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, कहीं का कोई कुछ बनने जा रहा है। ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है, दुखद स्थिति है। एक तरफ में हमारे एक साहब हैं जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब पाल रहे हैं,
यूक्रेन पर चढ़ाई कर रखी है उन्होंने, एक तरफ जो है वो लोभ दिया जा रहा है कि साहब हम बन जाएंगे तो भारत के साथ में सारे के सारे संबंध कितने अच्छे हो जाएंगे आप याद करें, और आप ये भी याद कर लें कि जब रेमसिडिविर नहीं समय पर मिला था तो मोटेरा से लौटते हुए इन्हीं महानुभाव ने भारत को किन शब्दों में धमकी दी थी, जो अभी अभी करोड़ों रुपए अपने ऊपर उड़वा करके आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि भारत जो है नतीजा भोगने के लिए तैयार रहे। तो हम कहाँ अपने आप को ले कर जा रहे हैं, किस गड्ढे में गिरा रहे हैं, किसके पैर चाटने पर हम मजबूर हो रहे हैं, ये यहाँ के नेता जाने और जो लोग भी अभी सत्ता में हैं वो जाने। बहरहाल ये कार्यक्रम अपनी सार्थकता को पाएगा, मैं इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों को एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ।